हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डिलीशियस रेसिपी, बैगन का पतोरी। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं इस फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड। आज मैं बैगन पतोरी के आइटम बनाने जा रही हूँ। ये एक नया आइटम है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं आज बैगन का पतोरी बनाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा पीनट भी दूंगी, तो इसको थोड़ा हल्के से कढ़ाई में तल लेना है हमें। थोड़ा सा सरसों, पीला सरसों, एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा धनिया भी तल के देना है हमें इसे गरम करके। रोस्टेड पीनट भी दे दिया, धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा सूखा नारियल भी मैं इसमें दूंगी, दो हरा मिर्च भी डालूंगी मैं इसमें, और इसको अब अच्छे से पीस लेना है मिक्सी। देखिए एकदम अच्छा पेस्ट बन गया है मेरा, दरदरा नहीं पीसना है, अच्छे से पेस्ट बनानी है इसे। कढ़ाई को हीट करना है और इसमें मैं तेल डाल दूँ, इसमें सूखा मिर्च और जीरा डाल देना है, एक तेजपत्ता भी डाल दिया, हल्दी, नमक और थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। सारे बैगन में स्टफिंग भर लिया, ये मसाला को स्टफिंग बना के मैं इसको भर लिया है। अब ऑयल में थोड़ा हींग डाल के इन सबको छोड़ देना है। ये हींग डाल दिया मैंने, अब एक एक करके बैगन को हमें इसमें डालना है। ये नॉनस्टिक कढ़ाई में अच्छे होता है, इसलिए मैंने इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया। ये बचा हुआ मेरा मसाला है इसमें भी डाल देना है। दूसरा ग्रीन चिली भी ऐसे फाड़ के हमें दे देना है। मीडियम आंच पर हम इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे। इसके बाद इसको पलट देना है और ढक देना है। उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है। अब इसमें थोड़ा मैं दही भी डाल दूंगी। फिर से ढक के पकाना है हमें। इसका कलर देखिए, आपको देख के लगेगा ये हो चुकी है। अच्छे से, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं आज अपनी तरीके से इसको बनाई हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा धनिया पत्ता दे दूंगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा चीनी भी दे सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको मीठा पसंद है तो।